हेलो स्टूडेंट्स दिस इज नीरज गुप्ता इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर पोएम फादर टू सन बहुत ही इमोशनल पोएम है देखिए पेरेंट्स हमेशा अपनी जगह ठीक ही होते हैं तो इसमें पोएट ने अपने बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा है जो अब ठीक नहीं है दैट रिलेशनशिप इज नॉट गुड रादर इट इज इन ए बैड शेप बच्चा अब उनके साथ नहीं रहता शायद पहले वो उसको डांटते होंगे ऐसा लिखा तो नहीं लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई तुम ज़्यादा खर्चा मत करो है ना तो एक वैसे भी जनरेशन गैप के बारे में इनडायरेक्टली डिस्कशन है कि जो पेरेंट्स हैं या स्पेशली अगर इसमें फ़ादर टू सन है तो मैं इसलिए फादर की ही बात करूं क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर जो बच्चे हैं बेटे हैं फादर टू सन की बात हो रही है डॉटर की बात नहीं है तो वो जो बेटे हैं वो ज़्यादातर माँ के साथ तो कनेक्ट रहते हैं क्योंकि माँ जो है वो बच्चे के साथ हमेशा प्यार से ही बात करती है लेकिन पिताजी कई बार बच्चे को डेवलप करने के लिए उसको ट्रेन करने के लिए थोड़ा टाइट भी हो जाते हैं बिहेवियर में समटाइम्स और कुछ बच्चे उस चीज़ को नहीं पसंद करते या शायद पिताजी कुछ ज़्यादा कर देते होंगे वडेवर तो ये इशू थोड़ा खड़ा रहता है और इसी पॉइंट को इस पोएम में डिस्कस किया गया है है ना चलिए लेट्स स्टार्ट इट पॉइंट बाई पॉइंट सो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने ये पोएम आपके लिए लिखी है फादर टू सन द पोएम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ए फादर एंड इज सन सबसे पहली बात जो आ रही है निकल के वो यही आ रही है कि द पोएम इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए फादर एंड इज सन एक पिता और एक उसके बेटे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ये पोएम एक्सप्लेन कर रही है क्या उनमें खास बात है बहुत प्यार है न बिल्कुल नहीं देट हज़ गॉट समिस्टेंस उनमें तो दूरियाँ हैं डिस्टेंस क्या होता है दूरी तो जो रिलेशनशिप है उसमें एक दूरी बन चुकी है बन रही है नहीं बन चुकी है ये ध्यान रखना अभी वो बेटा उनके साथ नहीं रहता जैसे जैसे पोएम एंड होगी तो रियलाइजेशन आएगी और फादर ये सोचेंगे कि उनको मैं किसी तरह से वापस बुला लूँ। सो दिस पोएम इज आल्सो टॉकिंग अबाउट इन डायरेक्टली द जनरेशन गैप ये होता है आपकी बुक में पहला क्वेश्चन यही दिया है कि जो पोएम है पर्सनल एक्सपीरियंस है या यूनिवर्सल फंडा है तो मैंने भी इसका यही जवाब लिखा है कि है तो पर्सनल एक्सपीरियंस एलिजाबेथ जेनिंग्स ने अपने ही बेटे के बारे में लिखा है जो उसका उसके साथ रिलेशनशिप में दूरियां बन गई थी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बहुत घरों में होता है इट इज़ वेरी कॉमन मतलब दिस इज नॉट समथिंग अनयूजुअल कि पिता और बेटे के बीच में गैप हो दिस इज क्वाइट कॉमन क्योंकि पिता भी यही सोचते हैं कि वो सही हैं और वो जो कह रहे हैं जो कर रहे हैं वो बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं और जो बेटा है वो सोचता है कि मैं कोई मूर्ख तो हूँ नहीं अकल मुझ में भी है मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है और एंड ऑल दैट अब आज आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं आपकी एज सोलह सत्रह साल है तो मेरे ख्याल से शायद कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि फ़ादर जब आपको टाइटली कुछ बात बोल देते होंगे तो आप महसूस करते होंगे कि भाई ये बात सही नहीं है इतना डांटने की क्या ज़रूरत थी या इतना बोलने की या इतना रोकने की क्या ज़रूरत है लेकिन बिलीव में मैं आपके फादर की एज पे हूँ जब आप मेरी एज पे आएंगे तब आपको महसूस होगा कि नहीं फादर जो बोलते थे वो सही था लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि समझ में तभी आएगा जब आप मेरी एज में आएंगे यानी कि सोलह सत्रह साल की एज में ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है किसी को ये समझ ही नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए सही है उस वक्त हमारा दिमाग यही बोलता है कि जो हम सोच रहे हैं वही यही सही है यही होता है एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस पोएम द थिंक एंड लिव डिफरेंटली उनकी सोच अलग है उनका रहन सहन अलग है अब होता है ना एक रीज़नेबल एज आने के बाद बंदा समझता है कि मॉर्निंग में उठना वॉक करना और हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है यंग बच्चे सोचते हैं आधी रात तक जागना बहुत जरूरी है उसके बिना वो मॉडर्न नहीं बन पाएंगे नहीं पढ़ते तो पहले भी दुनिया थी ऐसा तो है नहीं कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ाइयाँ बहुत टफ़ हैं सिलेबस तो सेम ही है बीस साल से लेकिन जो पहले लोग थे वो जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे तो पेरेंट्स सभी घरों में शायद जल्दी उठते हैं बच्चे लेट उठते हैं पहला गैप तो यही हो जाता है दे थिंक एंड लिव डिफरेंटली अभी यहाँ तो इस पोएम में तो बच्चा अलग रहता है पिताजी अलग रहते हैं बच्चा अपनी दुनिया एक तरह से अलग बचा चुका है लेकिन अब फिर खैर ये फॉरेन का भी है इंडिया में अभी तब इतनी जल्दी बच्चे अपना घर अलग नहीं बनाते वो पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा रहते हैं और अभी तो खैर जिस एज में आप ये पोएम पढ़ रहे हो आप सभी पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हो बट लेकिन ये होता है इट इज़ क्वाइट कॉमन नाव एडेज इवन इन इंडिया कि लोग आ, पेरेंट्स के साथ नहीं वो रात को देर से आएंगे पेरेंट्स ने टोकना जरूर है कसूर नहीं ना उनका वो वेट करते हैं बच्चे का कब वो आएगा कब नहीं आएगा उसने खाना खाया नहीं खाया बाहर मौसम कैसा है वो ये सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ मेरे लिए क्यों इतनी चिंता हो रही है तो अगर हम पोएम के ऊपर ही वापस लौटें तो स्टैंडा वन कहता है द पोएम विद द फ़ादर्स लेमेंट लेमेंट मतलब एक तरह से फादर जो है वो अफसोस एक जैसे होता है ना एक, एक कि यार ऐसा क्यों हो गया दैट थिंकिंग फादर्स लेमेंट है ना दिस पोएम इज अबाउट अ फादर्स लेमेंट क्या ही डज नॉट अंडरस्टैंड चाइल्ड वो अपने बच्चे को समझते नहीं और ये प्रॉब्लम सबकी है बच्चा भी ये सोचता है कि पिताजी उसको नहीं समझते और यहाँ पर पिताजी खुद ये महसूस कर रहे हैं कि वो बच्चे को नहीं समझ पाए बच्चा उन्हीं के घर ही तो पैदा हुआ था कभी तो उनकी गोद में ही था वहीं पर वो पैदा हुआ वहीं वो बड़ा हुआ सब कुछ हुआ लेकिन फादर नहीं समझ पा रहे बच्चे को एंड इट इज क्वाइट कॉमन पोइट के साथ भी ये समस्या है और औरों के साथ भी ये समस्या आती है कि बच्चे पिताजी की फीलिंग्स नहीं समझ पाते और पिताजी अपने बेटे की फीलिंग नहीं समझ पाते जो अब यंग हो चुका है एनर्जेटिक है वो कुछ करना चाहता है रिस्क लेना चाहता है नहीं अलाउ करते और उसका रीजन सब अलग अलग हो जाता है तो यहां पर वही फादर वाली बात आ रही है डज नॉट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड दो दे हैव बिन लिविंग टूगेदर इन द सेम हाउस फॉर सो मेनी ईयर्स जबकि वो लोग इकट्ठे ही रह रहे थे इन द सेम हाउस फॉर सो मेनी ईयर्स इतने साल इकट्ठा रहे लेकिन तब भी फादर इस बात पे लेमेंट कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को नहीं समझ पाए वो कन्फेस कर रहे हैं ही क्या कन्फेस किया उन्होंने यही कन्फेस किया कि वो अपने बच्चे को नहीं जान पाएसिस बात आ रही है सब मैं दैट ही नोज नथिंग ऑफ ए मैं तो जानता ही नहीं अपने बच्चे को कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है अब वो चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप फिर से बन जाए और वो सोचते हैं कि उस वक्त वेन ही वो वॉज अ स्मॉल चाइल्ड जब वो छोटा बच्चा था तब तो वो नेचुरली उनके साथ जुड़ा रहा होगा उनकी सारी बातें मानता होगा अब वो सोचते हैं कि जैसे बचपन में सारी बात मानता था बड़े होकर भी सारी बात मानता रहे ऐसा होता नहीं आमतौर पर और वही प्रॉब्लम खड़ी होती है और यही प्रॉब्लम इस आ, पोयम के अंदर भी एक तरह से आ रही है और पोएट फील कर रहे हैं। अब में अगर हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि फादर ये फील कर रहे हैं कि वो जो सीड था द वेरी सीड ऑफ रिलेशनशिप जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज का बीज अब कोई पेड़ होता है तो वो किसी बीज से डेवलप होता है हर चीज का हमारी जिंदगी में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जैसे आपकी कोई फ्रेंडशिप भी होती है किसी के साथ तो एक बार आप उससे पहली बार कभी मिलते हो फिर वो आपका दोस्त बन जाता है ऐसे ही होता है ना और फिर वो डेवलप होता है सो so, फादर uh, ये महसूस कर रहे हैं कि दैट वेरी सीड वो बीज जो था रिलेशनशिप का रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन उसका जो वो सीड था बीज था जिसके ऊपर उन्होंने इतना समय और सब कुछ खर्चा है ना ऑन विच ये स्पेंट इज़ ऑल जिसके ऊपर उन्होंने अपना समय लगाया अपना तन मन धन जिसको कहते हैं नेचुरली एक, एक पिताजी अपने बच्चे को पैदा करने से लेके पालने तक बड़ा करने तक बहुत लगाते हैं बहुत रातें जागते हैं बहुत जगह आते हैं जाते हैं ये बच्चा नहीं समझ पाता समझ पाता है बट वो तब समझ पाता है जब वो खुद पिताजी बनता है उससे पहले उसकी समझ में नहीं आता सब गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड है यही प्रोसेस है।, है ना तो पिताजी ये महसूस कर रहे हैं कि दैट द वेरी सीड ऑफ द रिलेशनशिप ऑन विच ही स्पेंड इज ऑल हैज बिन किल्ड वो बीज ही खत्म हो गया यानी कि एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिताजी ये कहने की या ये सोच रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है उनका उनके बेटे के साथ वो अब जड़ से खत्म हो चुका है जो रिलेशनशिप है उनका उनके बेटे के साथ वो रिलेशनशिप अब जड़ से खत्म हो चुका है और ही हैज सोन इट ऑन ए लैंड दैट डिडेंट बिलोंग टू हिम वो जमीन जिस पर उन्होंने उस बीज को बोया अब उनकी है ही नहीं उन्होंने एक ऐसी जमीन पर उसको बो दिया जो उनको बिलोंग नहीं करती वो किसको बिलोंग करती इट बिलोंग टू हिज सन अब लिटरल मीनिंग पे ना जाओ बात को समझने की कोशिश करो पिताजी फादर ये महसूस कर रहे हैं कि उनके बेटे के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसका बीज ही खत्म हो चुका है यानी एक तरह से जो स्टार्टिंग पॉइंट है बीज जहां से वो पूरा पेड़ बना वो रिलेशनशिप जो डेवलप हुआ बीज की तरह से फलीभूत हुआ वो अब खत्म हो चुका दैट हैज बिन किल्ड और अगर ये है भी तो वो अब वो जमीन उनकी नहीं है उनके बेटे की है बात जमीन की नहीं है यहां पे ऐसा नहीं है कि उसके बेटे ने उनका कोई मकान हड़प लिया है सवाल ये है कि अब उसकी अपनी नई दुनिया है एक तरह से वो जड़ से ही अब अपने आप को डेवलप कर रहा है वो बेटा शुरुआत से अब अपना जीवन जी रहा है उसने वो जीवन जो उसके पिताजी से मिला था उसको एक तरह से जड़ से ही छोड़ दिया है उसने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है लैंड ऑफ इज ओन और उसमें वो एक नया रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है जिसमें वो अकेला है मतलब अकेला इन द सेंस ये बताया नहीं गया कि अब उसकी मैरिज हुई है नहीं हुई है या वो और किसके साथ एसोशिएट कर रहा है लेकिन एस सच फादर उस स्टोरी में उस लाइफ में उस पिक्चर में नहीं है इसीलिए कहा गया है कि वो जो रिलेशनशिप वाली बात है वो अब एक ऐसी जमीन पर है जो सिर्फ उसके बेटे की है जहां वो फादर नहीं है एंड ही हैड नो राइट टू इट एक तरह से वो बेटा अपने उस जीवन में पिताजी को एंट्री नहीं दे रहा कितना सैड जो है फील करके जो है पोइट ने लिखा है बोथ ऑफ देम आर लाइक स्ट्रेंजर्स ये बात मुझे भी अजीब लगती है और आप भी छोटे बच्चे नहीं हो एलिवेंथ क्लास में हो आपने भी महसूस किया होगा क्लासमेट्स के साथ तो नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास में मिलते हैं तो दोबारा दोस्ती हो ही जाती है लेकिन आउटसाइड द क्लास बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे होंगे शायद आपके जीवन में बहुत सारे ना भी रहे हो तो शायद कोई एक आध दोस्त ऐसा रहा हो जिसके साथ कभी बड़ी घनिष्ठता थी कभी बड़ा मिलना जुलना खेलना अचानक मान लेते हैं पिताजी ने घर उनके पेरेंट्स ने घर बदल लिया और अब मिलते ही नहीं और शायद अब सड़क पर मिलोगे तो बड़ा फॉर्मली बात करोगे और यार कैसा है कैसी पढ़ाई चल रही है हाँ ठीक है बस तो फिर कई बार सोच के बड़ा अजीब लगता है कि किसी के साथ आप कभी इतना क्लोज होते हैं और फिर अचानक अब जैसे अभी इसका मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ बल्कि राजा अच्छा मेरे को क्लिक करके आपको बोलते बोलते कि टेंथ तक तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट आपके साथ आपके बेंच पे ही बैठता हो या आजू बाजू आपके साथ बहुत मिलता हो अब इलेवंथ में आप आगे स्ट्रीम बदल लिया आपने साइंस ले लिया उसने कॉमर्स ले लिया या आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली उसने कॉमर्स ले लिया कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट तो वो स्कूल में भी मिलता है तो शायद वो अटैचमेंट लेवल नहीं है तो ऐसा पिताजी और बेटे में भी हो जाता है और ऐसा ही महसूस कर रहे हैं पोएट कि दे दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स एक अजनबी की तरह है वो देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग नो साइन ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग कुछ हो ही नहीं रहा द रिलेशनशिप इज डेड द फादर एडमिट्स दाइल्ड्स फिजिकल शेप इज एज पर इज डिजायर अब नेचुरली पिता तो बेटे पर गए ना तो जो उसकी फिजिकल शेप है आउटलुक है वो पिताजी के जैसी है बट द इंटरेस्ट डिफर लेकिन जो पसंदीदा है जो जो होता ना कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है वो दोनों की डिफरेंट है और बेटा ऐसी चीज़ें लाइक कर रहा है जो पिताजी शेयर नहीं कर सकते अब मान लेते हैं बेटा ड्रिंक कर रहा है ऐसा कुछ लिखा नहीं है या बेटा ताश खेल रहा है या बेटा रात तक जैसे मैंने कहा घूम रहा है या तेज बाइक चला रहा है या मे वी हो सकता है वो पिज्जाज खा रहा हो या नॉनवेज खा रहा है या खैर फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा कुछ नहीं होता मतलब मैं ऐसे ही इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक फीलिंग एक्सप्रेस की गई है कि दैट ही के नॉट शेयर एंड लाइक वॉट द सन लव्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यह बताया गया है कि बेटे को जो पसंद है वो पिताजी नहीं कर पा रहे वो चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे बेटा जुड़ जाएगा पिता से लेकिन उसको फिर उनके जैसा होना पड़ेगा बेटा अपनी दुनिया में है उसका अपना एक स्टाइल है पिताजी अपनी दुनिया में हैं उनका अपना एक स्टाइल है अब दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हर एक का भाई अपना जीने का तरीका है अब ऐसे थोड़ी हम कह सकते हैं कि भाई जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही वो टाइम से आए टाइम से जैसे मैं कहूँ वैसे खाए ग्रीन वेजिटेबल खाए मॉर्निंग वॉक करे एक्सरसाइज करे धीमे बोले अच्छे सीधे कपड़े पहने मंदिर जाए या वडेवर रिलीजियस प्रोग्राम्स फंक्शंस में करे और कोई घर में अगर आए एल्डरली तो उनके साथ अटेंड करे ठीक से अपनी पढ़ाई हर एक का अपनी सोच है पेरेंट्स तो शायद बड़ी समटाइम्स uh, किताबी बातें बता देते होंगे और वो बच्चों को पसंद नहीं आ रही कुछ ऐसा हुआ होगा और यहाँ पर तो खैर uh, इस बात की भी बात आई है कि वो बहुत खर्चा करता था अब तो आगे जाके पोएम में हम पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में ही दो मिनट के बाद ही कि पिताजी उसके लिए भी तैयार हैं कि चल कोई बात नहीं तो वापस आ जा मैं तेरा फिजूल खर्च भी जो है वो बर्दाश्त कर लूंगा है ना स्टैंडा थ्री कहता है देर इज अ कंप्लीट साइलेंस अराउंड देम एक्चुअली जब आप किसी के लिए स्ट्रेंजर होते हो तो आप कहाँ बात करते हो तो वो घर आता भी होगा तो वो कोई खास बात नहीं होती होगी है ना अब वो चाहता है कि उसका बेटा वापस घर आ जाए ही वॉन्ट्स हिज सन टू कम बैक टू हिम टू हिज होम पिताजी चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास वापिस आ जाए एंड ही इज प्रपेयर टू एक्सेप्ट हिम वो उसको एक्सेप्ट करने के तैयार हैं ही इज़ प्रपेयर टू एक्सेप्ट हिम वो उसकी जो फिजूल खर्ची है ना प्रॉफ्लिगसी ये वर्ड थोड़ा सा देखिएगा प्रॉफ्लिगसी वो उसकी जो एक स्पेंड थ्रिफ्ट होता है ना जैसे ज्यादा खर्चा करते हैं फिजूल खर्च हिंदी में बोलेंगे मतलब किसी चीज में जरूरत है नहीं है लेकिन खर्चा हो रहा था अदाबाक तो कुछ उस टाइप का नेचर रहा होगा उसके बेटे का वो उसको वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार है इज प्रपेयर टू एक्सेप्ट हिम विद ऑल इज प्रॉफ्लिकसी कि कोई नहीं यार खर्च लेगा कम से कम बेटा घर तो आ जाएगा वो नहीं चाहते कि वो ही डजेंट वॉन्ट हिम टू गो एंड मेक ए सेपरेट होम ऑफिजन वो नहीं चाहते कि उसका अपना अलग से घर हो है ना ही इज प्रिपेयर टू फॉर हिम वो उसको माफ भी करने के लिए तैयार है कि बस वो होता है जब बेटा चला जाता है तो फिर तो उसके बाद वो सब कुछ तैयार है ना

कुछ उस तरह का एक बार दोबारा से जब वो छोटा था तब हमारे बीच में कितना प्यार था तो कुछ वैसा वो डेवलप करने की सोच रहे हैं है ना ही वॉन्ट्स टू डेवलप अ न्यू लव दोबारा से वो सोचते हैं कि जैसा बच्चा जब मेरा छोटा था मेरी गोद में था मेरे साथ खेलता था कितना प्यार था अब वो बड़ा हो गया तो उसके अपने रहने का जीने का रंग ढंग बदल गया तो काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए है ना ऐसा सोच रहे हैं वो राइट नाउ The last stanza, in the end, the father realizes, ठीक है In the end, the father realizes that both he and his son must live on the same earth, same part of land. पिताजी रियलाइज कर रहे हैं कि उसके और उसके बेटे को इसी धरती पर रहना है कहने का मतलब है भाई रहना तो यही है तो फिर हम अजनबियों की तरह क्यों रहें देर इज नो रीजन बहुत अच्छी बात लिखी है कि भाई रहना यही है खाना वही रोटी है सोना वही है रात को सो देर इज नो रीजन फॉर देम टू लिव लाइक स्ट्रेंजर्स तो फिर हम अलग से क्यों रहें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है बच्चे और पेरेंट्स अलग हो जाते हैं रहना उनको उसी एक तरह से लोकैलिटी में होता है अब या तो बच्चा अगर कोई अच्छा कोर्स करके या जॉब के लिए किसी और स्टेट में या कंट्री में चला जाए फिर भी एक बात समझ में आती है लेकिन कई बार तो बस झगड़ा होकर वो एक दो किलोमीटर दूर ही रह रहे होते हैं तो एक तरह से दे आर लिविंग ऑन द सेम अर्थ द सेम पार्ट ऑफ द लैंड फिर क्यों अजनबियों की तरह रहना बेटर तो यह है ना कि भाई पैचअप कर लिया जाए बेस्ट तो वही अंडरस्टैंडिंग तो वही डेवलप करने वाली बात है और वो ये भी नहीं समझ पाते कि उनको गुस्सा क्यों आ जाता है एक्चुअली ये भी होता है पेरेंट्स ना बात बात पर गुस्सा करते हैं करते भले के लिए हैं बट करते हैं तो जो उनका दुख होता है वो गुस्से में बदलता है और कई बार वो गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकलता है और इससे भी फिर बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं ये होता है बच्चे भी नहीं समझ पाते कि जो पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं या उनके साथ टाइट बिहेवियर कर रहे हैं वो उन्हीं के भले के लिए कर रहे हैं मैंने कहा ना वो नहीं समझ पाते इस बात को और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं लास्ट पॉइंट में बहुत ही इमोशनल टच दिया है मैं पहले ये बात बाद लाइन ले रहा हूँ बोथ ऑफ देम आर इन सर्च ऑफ सम एक्सक्यूज ध्यान से पकड़िएगा लाइनों को टू फॉर गिव इच अदर दोनों के दोनों ये कोशिश कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को भी पिताजी से प्यार तो है पुराने दिन तो वो भी नहीं भूला आई रिपीट कहीं ना कहीं द सन आल्सो लव्स हिज फादर ज नॉट फॉरगेट द अर्यर चाइल्डहुड डेज तो दोनों कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम मिल जाए ना बोथ ऑफ देर दोनों नजदीक आना चाहते हैं एंड फिलअप द गैप और वो उस दूरी को खत्म करना चाहते हैं जो उनको सेपरेट कर रही है राइट बट बोथ एक्सटेंड देर एम्पटी हैंड्स सीरियस एफर्ट नहीं है दोनों ये चाहते हैं कि हम मिल जाए मैं वैसे ही रहूं दूसरी पार्टी बदल जाए पिताजी भी बदलने को तैयार नहीं है बेटा भी बदलने को तैयार नहीं है और उसका नतीजा नतीजा ये कि द गैप स्टैंडस एज इट इज जो गैप है उसमें कोई चेंज नहीं है जो गैप है वो एज इट इज़ है गैप में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा है दोनों एज इट इज दूर हैं दूर ही हैं मतलब एक तरह से पोएम के एंड में ऐसा नहीं है कि कोई हैप्पी एंडिंग हो गई पोएट ने सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की लेकिन लास्ट में यही लिखा कि हम कोशिश तो कर रहे हैं बोथ ऑफ देम ट्राई टू कम क्लोजर एंड फिल अप द गैप बट दे एक्सटेंड देयर एम्प्टी हैंड्स बोथ ऑफ देम आर इन सर्च ऑफ एक्सक्यूज है ना खैर आई हैोएम नेक्स्ट वीडियो में हम uh, जो है इस के चैप्टर के आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑल क्वेश्चंस वी विल कवर और मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है कि जो असाइनमेंट हैं वो आप हमारी वेबसाइट एन पर फ्री हैं आप असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लें है ना चलिए कोई डाउट हो तो अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं मतलब अपने वेबसाइट पर अपने आपको रजिस्टर किया हुआ जो कि फ्री है तो आप डाउट ये इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं नाइन एट वन जीरो वन थ्री नाइन टू वन फोर पे ठीक है जी चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेते हैं थैंक यू